तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस के पांचों यूनिट के मैं न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी पूरा डालता जाऊंगा, और नेक्स्ट सेमेस्टर जो आपका आरसीसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनके कॉन्सेप्ट्स और डिज़ाइन प्रॉब्लम सारी मैं करवाऊंगा। तो आप लोगों के लिए ये, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, व्यू करोगे, तो मेरा ये मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं इस तरह वीडियो आपके लिए डालता जाऊंगा। तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है, KCE 502। इसमें यूनिट वन में हमारा हाफ पार्ट है सस्पेंडेड केबल्स का, और इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि सस्पेंडेड केबल, जो फर्स्ट यूनिट का पूरा पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, और देखिए कि सस्पेंडेड केबल्स होती क्या है। आपने देखा होगा, कोई भी सस्पेंशन ब्रिज देखा है इस तरह, ये आपका टावर्स हैं, ये आपका ग्राउंड में फिक्स्ड है, और यहाँ पे आपका ये एंकरेज केबल है, ये जो कि ग्राउंड में फिक्स होती है, कंक्रीट ब्लॉक बना होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मेन केबल होती है इसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड केबल, ओके। और ये जो सस्पेंडेड केबल से जो नीचे होते हैं हमारे सस्पेंडर्स, ओके। और यहाँ पे आपका रोडवे होता है, दिस इज योर स्पान, और जिसपे कि व्हीकल आपका मूविंग लोड जो भी आपका मूव करता है, ओके। और यहाँ पे कोई भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, ये दिस इज योर रिवर, ओके। और ये आपका एलिवेशन है। अगर मैं इसका यहाँ से क्रॉस सेक्शन कट करके देखूँ तो क्रॉस सेक्शन में मुझे मिलेंगे यहाँ पे दो, ये एक की केबल है एक साइड की और दूसरे साइड की केबल ये है, और ये आपका सस्पेंडर है। जैसे ये आपका यहाँ से सस्पेंडर दिख रहा है एलिवेशन में, सिमिलरली एक ये सस्पेंडर है और दूसरी साइड का सस्पेंडर ये है, जो कि इस लैपटॉप की डायरेक्शन के अंदर है, ओके। और ये आपका रोडवे है, ओके। इस पे हमारे व्हीकल क्या करते हैं, मूव करते हैं, ओके। तो सस्पेंडेड केबल भी आपका इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ओके, और लोड बियरिंग एलिमेंट होती है, ओके। और क्योंकि सस्पेंशन ब्रिजेस के अंदर जो केबल्स होती है हमारे लोड बियरिंग एलिमेंट्स का काम करती है, ओके। और हमारे को पता है कि जब भी हमारे को इंजीनियर्स जो भी होते हैं हमारे, और उनको अगर इंक्रीजिंग स्पान की ओर जाना है अगर हमारे को, कि भाई स्पान अगर हमारे को ज्यादा चाहिए तो हम ब्रिजेस में डील करते हैं, और हमारे को सस्पेंशन ब्रिज भी एक एग्जांपल है। अच्छा, और हमारे को ये पता है कि केबल्स इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, ओके, और वो ब्रिजेस में हम उसको देखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैं आपका इंपॉर्टेंट एनालिसिस पार्ट बता दूं केबल का, कि ये मेरी जो केबल है, ये मेरा जो केबल है आपका, और इस केबल को अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स लगाऊं उस पर, अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि W1 लोड लगा हुआ है केबल पे, W2 लोड लगा है, W3 लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके जो हैं ये सपोर्ट्स हैं, सिंपल सपोर्ट्स हैं, तो आप इस पे अगर मैं सिंपल सपोर्ट्स बोलता हूँ तो दो रिएक्शंस एक्ट करती हैं आपके, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ओके। हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन है, जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेवलप हो रहा है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ओके। आपको पता है जो केबल है ये अंदर की तरफ टेंशन में रहेगी, तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो बैलेंस करने के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ओके। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और यहाँ पे आपका रिजल्टेंट रिएक्शन होती है, ओके। आपको पता है ये आपका वर्टिकल रिएक्शन वी ए, ये आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, और इस सपोर्ट पे ये मेरा रिजल्टेंट रिएक्शन आर ए है, ओके। सो मैक्सिमम टेंशन भी आपको यहीं पे मिलता है टी मैक्स, ओके, विच इज योर अंडर रूट ऑफ वी ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बी सपोर्ट की बात करता हूँ तो आपको जो मैक्सिमम टेंशन मिलता है वो यहीं पे मिलता है अंडर रूट वी वी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ओके। और मिनिमम टेंशन आपको मिलता है केबल के लोअस्ट पोजिशन पे, और जो कि आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के ही बराबर होता है, ओके। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का आपको डेरिवेशन किस तरह आप डराइव करोगे, आपको पता है कि जो केबल होती है, केबल का इज अ फ्लेक्सिबल मेंबर, सो आपको केबल के हर पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को जीरो कर सकते हो। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है, इस एच वैल्यू को निकालना है, तो मैं बेंडिंग मोमेंट इस डी पॉइंट के अबाउट मोमेंट की वैल्यू क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, और ये मेरा जो सैग है ये इसको मैं बोलता हूँ सैग और डिप ऑफ द केबल, और इसको अगर मैं स्मॉल एच से डिनोट करता हूँ तो यहाँ से ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए पता होगा इस डी पॉइंट के अबाउट, और ये वी ए की वैल्यू मुझे पता होगी, इस लोड की वैल्यू पता होगी, तो मैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को निकाल सकता हूँ बड़े आसानी से, ओके। क्योंकि केबल आपका फ्लेक्सिबल मेंबर है और उसके हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमारे को पता है जीरो होती है, ओके। नाउ इम्पोर्टेंट क्या है, इसको जब भी आप केबल का क्वेश्चन आएगा तो आपको फनिकुलर
पॉलीगन डायग्राम बना देना होगा, और वहां से आप उन सारे रिएक्शंस को और आपके जो भी लोड्स हैं उसको आप एक पर्टिकुलर पॉलीगन डायग्राम के अंदर शो कर देना, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को भी शो कर देना, और वहां से आप लेंथ ऑफ द केबल इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो आपका क्वेश्चन इजी वे में आता है कि भाई कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द केबल। तो लेंथ ऑफ द केबल मतलब ये वाला सेगमेंट ए सी सी डी डी ई और ई बी को मिला के जो मेरी लेंथ बनेगी वो आपका टोटल लेंथ ऑफ द केबल होगा। और आपको क्वेश्चन के अंदर लोड्स एक्ट करा देगा सिमिलरली इस तरह W1 W2 W3, और आपसे पूछेगा कि टोटल लेंथ ऑफ द केबल आप निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि लोडेड जो केबल होगी सपोर्टेड एट द एंड, जो कि ये सपोर्ट दोनों एंड पे सपोर्टेड है और इज इन इक्विलिब्रियम, मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। फर्स्ट इज योर फोर्स पॉलीगन शुड बी क्लोज्ड, कि जो भी हमारा फोर्स पॉलीगन होगा वो हमेशा क्लोज होना चाहिए, और जो आपका फॉलिकुलर पॉलीगन होगा वो भी आपका क्लोज होना चाहिए। ओके, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह आपके फोर्स और पॉलीगुलर पॉलीग्राम डायग्राम बनाते हो। ये आपका जो डायग्राम है ये आपने देखा होगा कि इस तरह हम सारे वैल्यूज को इस पर रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीगुलर पॉलीगन डायग्राम, तो इस तरह दिखाते हैं। ओके, तो अब मैं अगर बात करता हूँ कि ये मेरा W1 लोड है, W2 लोड है, W3 लोड है, इसको मैं अगर फनिकुलर पॉलीगन डायग्राम के अंदर दिखाता हूँ तो मैंने इसको इस तरह बना देता हूँ। एक क्लोज डायग्राम है आपका, देखो यहाँ पे क्लोज डायग्राम है, और यहाँ पे मैं W1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ से P से लेके Q तक। ओके, सो वेट 1 इज रिप्रेजेंटेड इज PQ। ओके, और W2 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे आपका Q से लेके R तक, तो W2 इज योर Q से लेके R तक। सिमिलरली वेट W3 इज रिप्रेजेंटेड एज आर से लेके एस तक, तो आपका W3 यहाँ पे हो गया आर से लेके एस तक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सिंपल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक पॉइंट मिलेगा ओ, और उन पॉइंट से आपको पी को मिला देना है, क्यू को मिला देना है, सिमिलरली आर को मिला देना है और एस को मिला देना है। ओके, और ये जो आपके पी ओ है, क्यू ओ है और आर ओ है और एस ओ है, ये आपके टेंशंस हैं। ओके, सो टेंशंस इन द डिफरेंट सेगमेंट, जैसे एसी में आपका टेंशन T1, दिस इज योर T2, T3, T4, तो ये आपका जो PO है वो T1 है, ये QO है T2 है, RO है ये T3 है और SO है ये T4 है। ओके, तो आप यहाँ से टेंशन आपको रिप्रेजेंट कर दोगे, वेट्स आपने रिप्रेजेंट कर दिए PQ से, वेट 2 कर दिया QR से, वेट 3 कर दिया RS से। सिमिलरली हमारे को वर्टिकल रिएक्शन जो कि VA है और VB है उसको भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पर P से M तक VA है आपका, सिमिलरली एम से लेके एस तक है वी बी है। ओके, और यहाँ पे आपने वर्टिकल रिएक्शन वेट्स और ये आपका टेंशन T1 T2 T3 T4, और सिमिलरली जो एम ओ है जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये आपका है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, सो ये जो एच होगा वो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगा एम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप अपने इस पूरे लोडेड केबल को एक फनिकुलर पॉलीगन डायग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, और लोड्स, वर्टिकल रिएक्शंस, टेंशंस और आप अपने इसको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को मेंशन कर दीजिए इसमें, और उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए तो आपका लेंथ ऑफ द केबल आसानी से निकल जाएगा। अभी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि पूरा किस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये सब पूरा इसी में जो मैंने बताया वो सब लिखा हुआ है, और मैं आपको अगर बता दूँ तो ये आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द केबल इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो आपका जो केबल का जो इक्वेशन है वो किस तरह होता है और शेप ऑफ द केबल क्या होता है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द केबल निकालने के लिए आप क्या करोगे कि भाई ये जो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह एक्ट होता है केबल पे, जो भी लोड एक्ट करते हैं, तो W पर इंटेंसिटी यूनिट रन का आपका इंटेंसिटी है, और ये आपका सिंपल सपोर्ट्स है यहाँ पे, ये आपके सिंपल सपोर्ट्स हैं, और यहाँ पे अगर ये हिंज सपोर्ट बोल देता हूँ मैं अगर, तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है भी, सिमिलरली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हियर एंड वर्टिकल रिएक्शन हियर, और दिस इज योर लोअस्ट पोर्शन और दिस इज योर सैग। ओके, सैग ऑफ दिस केबल, तो यहाँ पे YC बोला मैंने सैग को, और यहाँ पे आपका स्पान जो है वो L है स्पान। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने कोई केबल पे इस पॉइंट P माना और यहाँ पे X डिस्टेंस फ्रॉम A सपोर्ट से और Y डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेवल, तो अगर मैंने P पॉइंट माना, इसके कोऑर्डिनेट है X कॉमा Y, तो X यहाँ से है, Y यहाँ से है। ओके, और अगर मुझे इक्वेशन ऑफ केबल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वर्टिकल रिएक्शंस निकाल दूंगा, वी ए पे कितना आ रहा होगा और वी बी पे कितना आ रहा होगा। ओके, तो वर्टिकल रिएक्शन निकालने के लिए आपको पता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट हो रहा है और W इंटेंसिटी का है, तो W इंटू L टोटल कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा जो कि सेंटर पे एक्ट होता है, और उसका हाफ सिमेट्री है तो हाफ इस पर चला जाएगा W L अपॉन टू,
और हाफ इस पर चला जाएगा वी बी पर डब्ल्यू एल अपॉन टू। यहाँ पे आप देख सकते हो वी ए और वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन टू हो जाएगा। सिमिलरली आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आपको निकालना है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है एच ए और एच बी, तो जो कि आपको पता है कि दोनों ही इक्वली हैं, एच ए इज इक्वल टू एच बी और इक्विलिब्रियम, तो हमारे को एच के इक्वल हम कह सकते हैं इसको। तो अगर मुझे एच हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, केबल इज फ्लेक्सिबल मेंबर, तो केबल के मैं मिड पॉइंट पे क्या करता हूँ, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को जीरो कर देता हूँ। क्लियर है? तो मोमेंट एट सी इज इक्वल टू अगर मैं जीरो करता हूँ तो यहाँ से मुझे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू मिल जाती है। देखो कैसे मिलेगी, मोमेंट एट सी इज इक्वल टू जीरो मीन्स इस पोर्शन के इस साइड जो भी लोड्स हैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट की वैल्यू जीरो करनी है। ओके, तो आपको करना क्या है, एक तो फोर्स ये लग रहा है वर्टिकल रिएक्शन वी ए इंटू एक्ट कितने पे करेगा डिस्टेंस एल अपॉन टू पे, तो वी ए इंटू एल अपॉन टू। ओके, और एक डब्ल्यू इंटेंसिटी का लोड लग रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है सी पॉइंट के अबाउट, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है वी ए वाला, और डब्ल्यू इंटेंसिटी का सी के अबाउट लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको मैं एंटी क्लॉक को माइनस लेता हूँ अगर, तो माइनस डब्ल्यू इंटू एल अपॉन टू पे तो ये एक्ट करेगा, और एक्ट यहाँ पे हाफ पे कितने पे करेगा एल अपॉन टू के भी आधे पे करेगा, तो एल अपॉन फोर पे एक्ट करेगा, तो डब्ल्यू इंटू एल अपॉन टू तो उसका आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो गया, एक्ट करेगा एल अपॉन फोर पे, तो यहाँ से आपका एक और यूडीएल का वाला लोड भी कंसिडर कर लिया। सिमिलरली तीसरा आपका जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है एच बी, वो भी इसके अबाउट यहाँ पर सी पॉइंट के अबाउट आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी मैं माइनस में लूंगा, तो माइनस एच बी इंटू वॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर दिस एच इज योर वाई सी, सो एच इंटू वाई सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देख सकते हो एच की वैल्यू आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से अब वी ए की वैल्यू थी डब्ल्यू एल अपॉन टू इंटू एल अपॉन टू, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट माइनस एच वाई सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एच की वैल्यू आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल सकते हो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट वाई सी, वाई सी आपका क्या है डिप ऑफ द केबल और सैग ऑफ द केबल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किस तरह हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आप कैलकुलेट करोगे। ओके, नाउ टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द केबल, शेप ऑफ द केबल निकालने के लिए आपको क्या करना है कि भाई अगर मैंने यहाँ पे आपको बताया था एक पॉइंट पी आपने कंसिडर किया और इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, तो इस पी पॉइंट के अबाउट आप क्या कर दो मोमेंट की वैल्यू को लिख दो, और ये मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा वी ए इंटू व्हाट इज दिस डिस्टेंस इज एक्स माइनस एक और लोड आ रहा है डब्ल्यू इंटेंसिटी का एक्स डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, तो डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू पी पॉइंट के अबाउट एक्ट कर रहा है तो एक्स बाई टू। ओके, तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया पी के अबाउट, और एक और एच बी एक्ट कर रहा है इस पी पॉइंट के अबाउट वाई, तो माइनस एच बी इंटू वाई। ओके, तो यहाँ से आप इस तरह लिख सकते हो वी ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स अपॉन टू माइनस एच इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। वी ए की वैल्यू आपने निकाल चुके हो डब्ल्यू एल अपॉन टू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और आपका एच की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू के साइड ले जाता हूँ डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट वाई सी होता है इंटू वाई। ओके, तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर इक्वेशन जो फर्स्ट जो आपने एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, ओके डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट वाई सी, नाउ यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ केबल शेप ऑफ द केबल निकालना है, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे अगर आप तो फोर वाई सी अपॉन एल स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स विद इन ब्रैकेट आता है। ओके, और ये जो आपका इक्वेशन शेप ऑफ द केबल आता है ये तब आता है जब हमने एक्स की वैल्यू जो मेजर की है वो लेफ्ट सपोर्ट से मेजर की है, तो एक्स की वैल्यू मैं मेजर कर रहा हूँ इस ऑरिजिन मेरा यहाँ पे ए सपोर्ट पे, तो ये वैल्यू क्या है मेरी वैलिड है। ओके, तो आपका फोर एच अपॉन इसको अगर मैं स्मॉल एच से भी डिनोट करता हूँ वाई सी को सैग को, तो फोर एच अपॉन एल स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स मेरा इक्वेशन ऑफ केबल आएगा। अगर आप इसको स्लोप भी निकालना है अगर आपको, तो स्लोप क्या होता है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो आपको इस वाई वाली इक्वेशन को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपका स्लोप मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब टेन थीटा होता है डी वाई ओवर डी एक्स मतलब टेन थीटा, वही आपका स्लोप होता है, तो वहां से आप थीटा की वैल्यू भी अगर निकालनी है तो टेन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू करके आ जाएगा। ओके, नाउ मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो आपका डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ केबल है अंडर यूडीएल और ड्यू टू इट्स ओन वेट इज कैटेनरी और नॉट बाय पैराबोला इन रियलिटी। ओके, एक्चुअल में कैसा होता है कैटेनरी का शेप का क्या मतलब होता है, कैटेनरी मतलब कि भाई जो आपका केबल का खुद का वेट है उसकी वजह से जो शेप फॉर्म होता है उसको हम कैटेनरी पोर्शन बोलते हैं, एक्चुअल में वो पैराबोला फॉर्म नहीं होता, बट हम थियोरिटिकली जब सॉल्व करते हैं तो मान के चलते हैं कि जो शेप ऑफ द केबल आया वो हमारा पैराबोलिक शेप आया है, एक्चुअल में वो कैटेनरी, जितना आपका केबल का वेट होगा उसके वेट की वजह से जितना वो सैग हो रहा होगा वही आपका केबल का एक्चुअल शेप होगा। ओके, बट हम थियोरिटिकली देखते हैं कि वो पैराबोलिक शेप हम कंसिडर करके चलते हैं, मैंने आपको बताया था कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द केबल इज जीरो होती है हमारी। ओके,
और नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, हॉरिजॉन्टल टेंशन इन केबल्स क्या होगा। हॉरिजॉन्टल टेंशन हम निकाल चुके हैं, मिड पॉइंट पे वैल्यू को हमने जीरो कर दिया था, तो हमारा जो डेराइव हो क्या आता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 YC ही आता है। ओके, तो हमारे को हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी इस तरह हम निकाल देंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका टेंशन इन द केबल्स। तो टेंशन आपको पता है मैक्सिमम टेंशन क्या होता है, अंडर रूट VA² + H² तो मैक्सिमम टेंशन इन केबल वेरीज अलोंग इट्स लेंथ। ये आपका VA है, WL/2 ये आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है H। सिमिलरली इस B सपोर्ट पे भी V है, WL/2 और H पे है आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज H। तो मैक्सिमम टेंशन इज WL/2 और √WL/2² + H² हो जाएगा। ओके, और अब आपको मैं बताता हूँ कि मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है वो, कि राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम टेंशन दैट इज योर अंडर रूट ऑफ VA² + H² दैट इज WL/2² + H². ओके, और मिनिमम टेंशन आपको पता है बॉटम मोस्ट पोर्शन पे होती है और वो होती है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के बराबर ही। ओके, तो यहाँ से आपका मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन भी निकाल लोगे और केप शेप ऑफ द केबल भी आप निकाल लोगे। ओके, तो यहाँ से आप मैक्सिमम टेंशन इस तरह निकाल सकते हो। अगर मैं मैक्सिमम टेंशन की बात करता हूँ, अगर मैं VA की वैल्यू पुट कर देता हूँ WL/2² + H की वैल्यू में जो मेरा डेराइव हो क्या आया है WL² / 8 YC² पुट कर दिया अगर, या अगर अंडर रूट को मैंने 1/2 पावर में लिख दिया और इसको स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू होता है कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ओके, तो इसको मैं लिख दिया W/2² + SW(L)S W, और एक और L बच गया तो W(8YC)√ के अंदर। और यहाँ से अगर मैं W/2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरा पार्ट बच जाएगा 1 + L² / 16YC² के अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ से आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो मैक्सिमम टेंशन को। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और क्या बनता है इस फर्स्ट यूनिट के अंदर, एक और आता है आपके, 2 केसेस आते हैं जो आपका केबल जो सस्पेंडेड केबल है वो पास हो रही है, या तो आपका केबल जो पास हो रही है गाइड पुली एट द सपोर्ट। ओके, ये आपका एक तरीके से ये पुली है और यहाँ पे आपका जो केबल क्या है, एंकरेज केबल है ये, तो इस साइड वाली, और यहाँ पे ये आपका है मेन केबल और सस्पेंडेड केबल। अब आपको याद ये रखना है कि केबल जब पास हो रही होगी गाइडेड पुली एट द सपोर्ट से, तो आपके एंकरेज केबल में और सस्पेंडेड केबल में दोनों में टेंशन क्या होगा, सेम होगा, और जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल अल्फा फॉर्म हो रहा है एंकरेज केबल का और बीटा फॉर्म हो रहा है सस्पेंडेड केबल का। ओके, तो आपको याद हमेशा रखना है कि गाइडेड पुली एट द सपोर्ट वाला केस आएगा तो आपको दोनों में ही एंकरेज केबल में और सस्पेंडेड केबल में टेंशन की वैल्यू सेम रखनी है। और अब यहाँ से आपको पूछेगा कि नेट हॉरिजॉन्टल प्रेशर और नेट वर्टिकल प्रेशर ट्रांसमिटेड टू द टावर कितना होगा, तो यहाँ से आपका केस बन जाता है और क्वेश्चन आपका यहाँ से 10 मार्क्स का पूछते हैं। ओके, तो अगर मैं इस केस की बात करता हूँ तो इस केस में आप देखोगे कि ये अगर मेरा सिंपल सपोर्ट है, दिस इज माय VA एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H, और ये मेरा जो सस्पेंडेड केबल है, जो कि सस्पेंडेड केबल एज अ एक्ट जो लोड होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के तहत एक्ट होता है, और मैं अगर बात करता हूँ कि ये जो केबल के दूसरे तरफ एंकर्ड हो रखी है, अदर साइड ऑफ द पियर दिस इज माय एंकरेज केबल। ओके, तो एंकरेज केबल और सस्पेंडेड केबल में जो टेंशन होगी दोनों में आप देख रहे हो कैपिटल टी ही मैंने शो कर रखा है, तो कैपिटल टी दोनों में टेंशन सेम होगी अगर जब केबल पास हो रही होगी गाइड पुली एट द सपोर्ट। ओके, सो दिस इज योर पुली पोर्शन, पुली मैकेनिज्म है। ओके, तो इस केस में आपका दोनों में टेंशन सेम होगी। अब दोनों में टेंशन सेम है तो मैक्सिमम टेंशन जो क्या हो जाएगी, क्या होगा, अंडर रूट VA² + H² होगा। नाउ अगर मैं एंगल की बात कर लेता हूँ, 10 बीटा क्या हो जाएगा, 10 बीटा आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सॉरी 10 बीटा इज इक्वल टू VA/H। ओके, दिस इज योर वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ओके, वेयर बीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द सस्पेंडेड केबल, ये आपका सस्पेंडेड केबल है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लाइनेशन फॉर्म हो रहा है वो बीटा है आपका। ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हैं, और अल्फा है आपका इंक्लाइनेशन ऑफ द एंकरेज केबल विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, और यहाँ से आपका अल्फा क्या है, वो इंक्लाइनेशन है एंकरेज केबल का। नाउ अब आपको बोलता है कि अगर केबल पास हो रही है गाइड पुली एट द सपोर्ट, और वहां से आपको हॉरिजॉन्टल प्रेशर निकालना है कि भाई टॉवर पे कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल पार्ट मतलब अगर मैं इस एंकरेज केबल के कंपोनेंट को अगर रिजोल्व करके देखूं तो एक आपका एंगल की साइड वाला जाएगा T cos α और एक ऑपोजिट में जाएगा T sin α। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका एक cos बीटा की साइड में जाएगा T cos β और यहाँ पे ऑपोजिट में इसके जाएगा वर्टिकल में T sin β। ओके, तो अगर मुझे वर्टिकल फोर्स ट्रांसमिटेड टू द टॉवर निकालना है तो कितना हो जाएगा T sin α + T sin β। ओके,
तो अगर मैं टी कॉमन ले लेता हूँ तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा वर्टिकल प्रेशर ट्रांसमिटेड टू दिस स्पीयर, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्रेशर बोलता हूँ इस पे कितना एक्ट हो रहा है तो कितना हो जाएगा टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू टी कॉस बीटा। ओके, तो यहाँ से आपका टी कॉस अल्फा माइनस टी कॉस बीटा आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो टी कॉस अल्फा माइनस टी कॉस बीटा इज योर हॉरिजॉन्टल नेट हॉरिजॉन्टल प्रेशर। तो कि आपने कंपोनेंट जो एनकरेज केबल का और आपने सस्पेंडेड केबल की जो टी का मैग्नीट्यूड है उसको आपने क्या करा, रिजोल्व करा। एंगल के साइड वाला एंगल फॉर्म जो होता है वो आपका पार्ट होता है टी कॉस अल्फा होता है, और उसके दूसरे एंड पे टी साइन अल्फा होता है। सिमिलरली आपने पीछे सस्पेंडेड केबल वाले को भी कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो आपका हो गया टी कॉस अल्फा माइनस टी कॉस बीटा। सिमिलरली वर्टिकल लोड ट्रांसमिटेड टू द पियर कितना हो जाएगा, टी साइन अल्फा प्लस टी साइन बीटा। ओके, क्योंकि आपका दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे, टी साइन अल्फा प्लस टी साइन बीटा, तो इसलिए दोनों एक तरफ। अगर मैं इसकी बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल वाले की, तो टी कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और टी साइन बीटा जा रहा है सॉरी ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है और ये जा रहा है आपका लेफ्ट टू राइट। ओके, तो इक्वल में जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो टी कॉस अल्फा माइनस टी कॉस बीटा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और अगर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द पियर की बात करता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको पता है इनटू इसकी अगर हाइट में एच बोल देता हूँ, तो जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर एच, तो आपका नेट हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट भी मिल जाएगा इस टॉप ऑफ द पियर पे। क्लियर है, तो आपको यहाँ से एच इज द हाइट ऑफ द टावर इनटू आपका एच इज द हाइट ऑफ द पियर, और इट इज योर एच इज द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स व्हिच इज गवर्न्ड एज टी कॉस अल्फा माइनस टी कॉस बीटा। ओके, अगर आपको कंपोनेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको आपको एक बार रिजॉल्व करके बता देता हूँ। देखो ये आपका टावर है कोई, और यहाँ पे आपका पुली है। ठीक है, पुली मैकेनिज्म, ये आपका एक लेवल लाइन है, यहाँ पे आपका ये जो है एनकरेज केबल है, दिस इज योर एनकरेज केबल, एनकरेज केबल, एंड दिस इज योर सस्पेंडेड केबल। व्हाट इज दिस, दिस इज योर सस्पेंडेड केबल हियर, और ये जो एंगल मेरा एनकरेज केबल का फॉर्म हो रहा है वो मेरा है अल्फा, और जो मेरा सस्पेंडेड केबल का है वो मेरा है बीटा, और यहाँ पे दोनों में ही टेंशन क्या है, टी है। मैक्सिमम जो आपका टेंशन होगा दोनों में वो क्या होगा, टी होगा। और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में ये जो मैक्स ये पार्ट जाएगा, एक तो जाएगा आपका एक हॉरिजॉन्टल पार्ट, एक जाएगा वर्टिकल पार्ट। तो एंगल के सामने वाला जो एंगल होता है वो आपका होता है हॉरिजॉन्टल। मैं इसको बोला अगर ये टी कॉस अल्फा एंड दिस इज योर टी साइन अल्फा। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं इस वाले टी वाले पार्ट को सस्पेंडेड केबल के पार्ट को कंपोनेंट रिजोल्व करूं उसके, तो एक मेरा हॉरिजॉन्टल गया एंगल की साइड वाला एंगल हो गया टी कॉस बीटा, सिमिलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया टी साइन बीटा। अगर मैं आप बोल रहा हूँ कि इसमें नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा मेरा, हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस अल्फा, और ये जा रहा है टी कॉस बीटा इस डायरेक्शन में, तो टी कॉस अल्फा माइनस टी कॉस बीटा इज योर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स। टी कॉस अल्फा माइनस टी कॉस बीटा इज द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो मैं यहाँ से अगर टी कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा बन जाता है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। क्लियर, नाउ नेट वर्टिकल फोर्स, नेट वर्टिकल फोर्स कितना ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिटेड टू द पियर इज ट्रांसमिटेड टू द पियर इज व्हाट इज दिस। तो देखो आपका जो भी आपका वर्टिकल वाला जो भी कंपोनेंट है टी साइन अल्फा, और ये भी नीचे जा रहा है तो प्लस टी साइन बीटा, ये टॉवर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा टी साइन अल्फा प्लस टी साइन बीटा, दिस इज योर। तो अगर मैं टी कॉमन ले लेता हूँ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके, सो दिस इज द वे वी रिजॉल्व अवर कॉम्पोनेंट्स। ओके,
और ये आपका जो केस था, ये आपका है केस केबल पासेस ओवर अ पुली, ठीक है। तो इस तरह आपका अगर केबल पासेस ओवर हाँ पुली पे जा रहा है, सिंपल पुली है, तो दोनों में आपका सस्पेंडेड केबल और एनकरेज केबल में टेंशन ये होगा सेम होगा, ओके। तो इम्पोर्टेंट है ये, क्लियर है आपको। अब मैं नेक्स्ट केस की तरफ चलता हूँ। ओके नाउ नेक्स्ट केस है मेरा, केबल क्लैम्ड टू सैडल कैरीड ऑन स्मूथ रोलर्स ऑन द टॉप ऑफ द पियर। अगर ये कोई मैकेनिज्म है इस तरह की, केबल जो है आपका क्लैम्ड है वो सैडल से, कैरीड ऑन स्मूथ रोलर, दीज आर द स्मूथ रोलर्स और ये सैडल पोर्शन है, मैकेनिज्म है, और इस पे अगर मेरा केबल रेस्ट करता है तो आपका जो एनकरेज केबल में जो टेंशन होगी और सस्पेंडेड केबल के अंदर जो टेंशन होगी वो आपकी सेम नहीं होगी, टी और टी नहीं होगी, वो या तो इसमें अलग अलग होगी, ये टी वन है तो ये टी होगी, ओके। तो इसका एंगल अगर मेरा अल्फा फॉर्म हो रहा है, इसका एंगल मेरा बीटा फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछेगा कि नेट हॉरिजॉन्टल प्रेशर और नेट वर्टिकल प्रेशर कितना ट्रांसमिट होगा, ओके। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इस सैडल को इक्विलिब्रियम में रखना है मुझे, ओके, तो मुझे नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इस इक्विलिब्रियम, इस सैडल के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, तो जो मेरा हॉरिजॉन्टल पार्ट है, मतलब ये टी वन कॉस अल्फा इज इक्वल टू टी कॉस बीटा, अगर मैं ये इक्वेशन कर दूं तो मेरा जो सैडल है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहे हो और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, वो इक्विलिब्रियम में तभी रहेगी जब दोनों वो बराबर होगी। तो इक्वल टू कर दोगे आप टी वन कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू टी साइन बीटा, क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल पार्ट एंगल के सामने वाला कॉस कंपोनेंट होता है और जो आपका साइन कंपोनेंट होता है आपका दूसरा वाला एंगल के दूसरे साइड में। तो टी वन साइन अल्फा यहाँ नीचे जाएगा, वर्टिकल ट्रांसमिट होगा, प्लस टी साइन बीटा भी नीचे जाएगा, ओके। तो आपको याद रखना है कि अगर आपका केबल क्लैम्प्ड टू सैडल है कैरीड ऑन स्मूथ रोलर्स ऑन टॉप ऑफ द पियर, तो आपका जो केस बनता है वो आपका बनता है कि भाई दोनों इक्विलिब्रियम ऑफ द सैडल में करना है, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट टी वन कॉस अल्फा इज इक्वल टू टी साइन टी कॉस बीटा, और वर्टिकल प्रेशर जो ट्रांसमिट होगा वो होगा टी वन साइन अल्फा प्लस टी साइन बीटा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सस्पेंडेड केबल्स एंड एनकरेज केबल्स आर डिफरेंट, हमारे को पता है टी एस टेंशन है सस्पेंडेड केबल एंड टी वन एस टेंशन इन एनकरेज केबल, और मैक्सिमम टेंशन अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, दिस इज योर स्क्वायर, यू कैन करेक्ट इट हियर, एंड टेन बीटा आपका वही होगा वी ए अपॉन एच। और इक्विलिब्रियम ऑफ द सैडल, अगर मुझे इस सैडल को इक्विलिब्रियम में रखना है तो हॉरिजॉन्टल पार्ट दोनों के मैं बराबर कर दूं, मतलब टी वन कॉस अल्फा इज इक्वल टू टी साइन सॉरी कॉस बीटा, टी वन कॉस अल्फा इज इक्वल टू टी कॉस बीटा, ओके। एंड टोटल वर्टिकल लोड ट्रांसमिटेड टू द पियर इज टी वन साइन अल्फा प्लस टी साइन बीटा, ओके। सो दिस इज योर टी वन साइन अल्फा प्लस टी साइन बीटा, क्लियर। अगर आपको रिजोल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ अगर ये मेरा जो सेकंड केस है, केस बी है जो, केबल क्लैम्ड टू सैडल वाला जो अगर केस आता है, और ये अगर आपका कोई पियर है, यहाँ पे आपका ये एक सैडल रखा हुआ है और ये फ्रिक्शनलेस रोलर्स है, ओके, और ये इस तरह का कोई मैकेनिज्म है, अगर केस क्वेश्चन इस तरह आता है 10 मार्क्स का, और यहाँ पे बोलता है कि जो केबल है ये एनकरेज केबल ये है, दिस इज योर व्हाट एनकरेज केबल, एंड दिस इज योर सस्पेंडेड केबल, ओके, दिस इज योर सस्पेंडेड केबल। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो टेंशन है इसमें अगर टी वन है तो यहाँ पे टी वन नहीं होगी, यहाँ पे टेंशन टी होगी, और ये अगर मेरा एंगल अल्फा फॉर्म हो रहा है तो ये एंगल मेरा बीटा फॉर्म होगा यहाँ पे, ओके। और अगर मैं इसका कंपोनेंट रिजोल्व करता हूँ तो एक मेरा जो पार्ट जा रहा है हॉरिजॉन्टल में वो जाएगा टी वन कॉस अल्फा, और जो वर्टिकल में पार्ट जा रहा है इसका जाएगा टी साइन अल्फा। सिमिलरली इस वाले का
जो कंपोनेंट वर्टिकल में जाएगा और हॉरिजॉन्टल में जाएगा वो क्या जाएगा, टी आपका टेंशन है, तो टी कॉस बीटा हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज योर टी साइन बीटा। ओके, तो मैं अगर बात करता हूँ इस सैडल को इक्विलिब्रियम में रखना है, फॉर द सैडल टू बी इन इक्विलिब्रियम, जो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब T1 cos अल्फा इज इक्वल टू T cos बीटा करना पड़ेगा। और आपका वर्टिकल फोर्स ट्रांसमिटेड कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, वर्टिकल फोर्स ट्रांसमिटेड टू द पियर, फोर्स ट्रांसमिटेड टू द पियर की मैं बात करता हूं अगर, तो वो मेरा हो जाएगा जो टी T1 साइन अल्फा प्लस टी साइन बीटा। ओके, तो यहां से आपका एक जो केस टू है, केस बी है, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आपको यहाँ पे मैं फिर से ले जाता हूँ दूसरी तरफ, ठीक है। तो यहाँ से आपका दो पार्ट हो जाएगा सॉल्व। एक और आपका केस आता है कर्व लेंथ ऑफ द केबल भी बोलता है कि भाई ये जो लेंथ ऑफ केबल, ये इसकी जो केबल की लेंथ होगी, अगर आपके सपोर्ट सेम लेवल पे हैं, अगर ए सपोर्ट यहाँ पे है और इसी लेवल पे बी सपोर्ट भी है, स्पान अगर एल है, तो आपका जो कर्व लेंथ क्या होगी वो आप डायरेक्टली इससे आप देख सकते हो, इसका डेरिवेशन भी बुक में दिया हुआ है, आप इसको बुक में डेरिवेशन भी देख सकते हो, बड़ा आसान है। तो आपका कर्व लेंथ ऑफ द केबल होता है 8/3 एल प्लस 8/3 एच स्क्वायर अपॉन एल। ओके, एच इज द सैग ऑफ द केबल, और अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट पी माना है, एक्स यहाँ इस पॉइंट से माना है, वाई इस पॉइंट से माना है, तो उसको अगर आप डेराइव भी करोगे तो इसी वे में आपका डेराइव भी हो जाएगा। ओके, तो एल इज इक्वल टू कैपिटल एल, कैपिटल एल मीन्स लेंथ ऑफ द कर्व लेंथ ऑफ द केबल, दिस इज द कर्व लेंथ ऑफ द केबल। ओके, सो एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस 8/3 एच स्क्वायर अपॉन एल इज द कर्व लेंथ ऑफ द केबल। ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन द सपोर्ट्स आर एट सेम लेवल, ए और बी आपके एक ही लेवल पे हैं, तब जाके ये जो कर्व लेंथ निकालनी है मुझे केबल की, वो मेरी होगी एल प्लस 8/3 एच स्क्वायर अपॉन एल। ओके, क्लियर है। अब मैं न्यूमेरिकल अगर सॉल्व कर लेता हूँ, अब क्वेश्चन बोल रहा है, अ केबल सपोर्टेड एट इट्स एंड्स 40 मीटर अपार्ट कैरीज लोड ऑफ 40 किलोन्यूटन, 20 किलोन्यूटन एंड 24 किलोन्यूटन एट अ डिस्टेंसेज ऑफ 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ओके, ये आपका टोटल 40 मीटर का स्पान है और तीन लोड लग रहे हैं, 40 किलोन्यूटन, 20 किलोन्यूटन और 24 किलोन्यूटन, जो कि 40 किलोन्यूटन वाला लग रहा है 10 मीटर पे डिस्टेंस पे ए सपोर्ट से, और 20 किलोन्यूटन वाला लग रहा है 20 मीटर पे ए सपोर्ट से, और 24 किलोन्यूटन वाला लोड लग रहा है 30 मीटर फ्रॉम ए सपोर्ट से। और बाकी जो राइट साइड वाला बच कितना गया, वो 10 मीटर बच गया क्योंकि टोटल 40 मीटर का। ओके, और द पॉइंट वेयर 20 किलोन्यूटन इज सपोर्टेड, मतलब आपका जो 20 किलो न्यूटन वाला जो मिड वाला लोड है, W2 लोड है, वो यहाँ पे है उसका जो 13 मीटर बिलो द लेवल ऑफ द एंड सपोर्ट, मतलब ये आपके जो अगर ये W2 यहाँ पे लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, तो इसका जो सैग दिया हुआ है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 13 मीटर बिलो द लेवल ऑफ द एंड सपोर्ट, तो दिस इज द लेवल ऑफ द एंड सपोर्ट, और यहाँ से आपका 13 मीटर नीचे दिया हुआ है। और डिटरमाइन आपको निकलवा क्या रहा है, वो आपको निकलवा रहा है क्वेश्चन के अंदर, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द केबल। ओके, और टोटल लेंथ ऑफ द केबल निकलवा रहा है, और द रिएक्शन एट सपोर्ट्स निकलवा रहा है, और टेंशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द केबल। ओके, तो रिएक्शंस एट सपोर्ट, टेंशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द केबल और टोटल लेंथ ऑफ द केबल, वो पूरा कैलकुलेट करवा रहा है। तो आप देखो, सबसे पहले आप इसको डायग्राम को इस तरह बना लोगे केबल को, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ए और बी आपका सिंपल सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, आपका एक वर्टिकल रिएक्शन भी ए जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जा रहा होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा जो केबल है वो आपका अंदर की तरफ टेंशन में रहेगा, तो जो आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेवलप होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। ओके, टू बी इन इक्विलिब्रियम, और सिमिलरली यहाँ पे। ओके, और सबसे पहले आप वी ए और वी बी निकाल लोगे, क्योंकि आपके जो लोड है एक है 40 किलो न्यूटन 10 मीटर पे, सिमिलरली जो 20 किलो न्यूटन पे है 10 मीटर 20 मीटर पे था ए सपोर्ट से, और W3 जो कि 24 किलो न्यूटन वाला लोड है वो भी आपका 30 मीटर डिस्टेंस पे था ए सपोर्ट से, बाकी का 40 मीटर टोटल था, तो 10 मीटर यहाँ से बच जाता है। ओके, ये आपका टेंशन ए, ये T1 सेगमेंट में जो इस सेगमेंट में जो टेंशन है वो T1 है,
दिस इज योर टेंशन इन T2, दिस इज योर टेंशन इन T3 एंड दिस इज योर टेंशन इन T4। ओके, अब इस डायग्राम को मैं बोलता हूँ फनिकुलर पॉलीगन डायग्राम, आप बना लीजिए। आप उसमें वर्टिकल रिएक्शंस भी दिखाओ, उसमें आप टेंशंस भी दिखाओ, उसमें आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी दिखाओ। ओके, तो पहले सबसे पहले आपको वर्टिकल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो वर्टिकल रिएक्शन निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपका दोनों सपोर्ट हिंज्ड है, तो अगर आप बी सपोर्ट के बाद मोमेंट जीरो कर देते हो तो आपका ये जो VA+VB इज इक्वल टू कितना है, 40+20+24 kN आ जाएगा एक इक्वेशन से। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर मैं एक पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट वैल्यू जीरो कर देता हूँ, तो आप देखो 40 × 10, सो व्हाट इज दिस 40, दिस इज योर 40 kN इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 10, तो 40 × 10 प्लस 20 × 20, सो दिस इज 20 kN इनटू 20 डिस्टेंस, प्लस दिस इज योर 24 इनटू योर 30 डिस्टेंस। ओके, एंड दिस इज योर VB इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस इज योर -VB इनटू व्हाट, दिस इज 40 kN इज इक्वल टू 0। तो VB की वैल्यू आपका मिल जाएगा कितना, यहां से 38 kN। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन VA+VB इज इक्वल टू 40+20+24 से आपका VAB मिल जाएगा 46 kN। तो VA और VB आपका मिल जाता है। तो आप उसके बाद हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी निकाल लोगे। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को मैंने बताया था, जो आपका केबल इज अ फ्लेक्सिबल एलिमेंट, तो आपका केबल के हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट वैल्यू जीरो होती है। तो केबल का मुझे डी पॉइंट पे, जो आपका 20 kN लोड एक्ट हो रहा है, वहां पे आपका क्या है कि 13 मीटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इस पॉइंट के बाद अगर मैं मोमेंट ले लेता हूँ तो मुझे आपका यहाँ से सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। और यहाँ से आप देखो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू डी पॉइंट के बाद मोमेंट की वैल्यू जीरो कर लो। ओके, और इस पॉइंट, तो अब देखो यहाँ पे ये आपका वर्टिकल रिएक्शन 46 kN है, ये 38 kN है VB पे, और अगर मैं D पॉइंट पे मोमेंट जीरो कर देता हूँ तो आपके जो भी एक वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है VA और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है यहाँ पे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 13 मीटर है और एक आपका 40 kN का लोड आ रहा है, तो एक दो और तीन, तीन फोर्सेज आपके एक्ट करेंगे इस D पॉइंट के अबाउट मोमेंट में। देखो 46 × 10 + 10 = 20 मीटर, तो 46 × 20, और ये आपका आपका जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, -H × 13, सो -H × 13 हियर, एंड दिस इज योर अगेन योर एंटी क्लॉकवाइज, इट इज -40 × 10, -40 × 10 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ H हियर एज योर 40 kN। ओके, सो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और बाय टेकिंग द मोमेंट एंड एनी पॉइंट इन द केबल। नाउ आपको टेंशन कैलकुलेशन देखना है, तो आपका ये वर्टिकल रिएक्शन है 46 kN 38 kN बी पे, और ए सपोर्ट पे आपका है 40 kN का हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। नाउ आप क्या करोगे इसको, कि ये जो आपके टेंशन है इसको आप फनिकुलर पॉलीगन डायग्राम बनाएंगे इसका, और जो भी आपके वेट्स हैं, जो आपके रिएक्शन है और जो आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है और टेंशन है, उसको डायग्राम में आप शो कर देंगे। जैसे आपको बताया था वेट को शो करना है, तो W1 इज 40 kN रिप्रेजेंटेड एज PQ, देन W2 रिप्रेजेंटेड एज QR, देन W3 एज RS, देन परपेंडिकुलर खींचेंगे, O पॉइंट मिलेगा, यहाँ से आप PO को मिला देंगे, T1 टेंशन होगी वो, और QO को मिला देंगे T2 होगी, देन ये आपका T3 है और T4। और यहाँ पे आप देखोगे वर्टिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं PM से, और वी ए है जो कि 46 kN जो निकल के आया है इसको, और MS से होगा 38 kN। ओके, और वी बी है जो कि, और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो आपका 40 kN निकल गया है वो आपका M से लेके O तक हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मेन इंपॉर्टेंट है आपका एंगल क्या क्या फॉर्म हो रहा है। ओके, ये जो आप देख रहे हो इस सेगमेंट में जो एंगल θ1 है हॉरिजॉन्टल के साथ, जो एंगल θ1 फॉर्म हो रहा है, इसको आप यहाँ पे फनिकुलर पॉलीगन डायग्राम के अंदर अगर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये आपका है θ1। सो दिस इज योर θ1 हियर, एंड फॉर दिस स्मॉलर ट्राइंगल θ2 हियर, एंड फॉर दिस ट्राइंगल स्मॉलर ट्राइंगल θ3 हियर, एंड फॉर दिस बिगर ट्राइंगल दिस MSO दिस इज योर θ4। ओके, और आप यहाँ से एंगल निकाल लोगे और एंगल के बेसिस पे टेंशन भी कैलकुलेट कर लोगे और लेंथ भी कैलकुलेट कर लोगे क्वेश्चन के अंदर। आपने एक बार फनिकुलर पॉलीगन डायग्राम बना दिया तो आपका आधा से ज्यादा काम खत्म हो जाता है। अब नाउ टेंशन आपको कैलकुलेट करनी है T1 में, कि T1 की टेंशन कितनी होगी। ये आपका हाइपोटन्यूज है, ओके, हाइपोटन्यूज है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं PMO ट्राइंगल देख लूँ, उसका अंडर रूट ऑफ
दिस स्क्वायर 46 का स्क्वायर, दिस इज योर 46 और दिस इज योर एच इज 40 किलो न्यूटन। तो 40 का स्क्वायर कर दूं तो मेरा PT1 मिल जाएगा। ओके तो यहाँ से आप देखो 40 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर 60.96 किलो न्यूटन मिल गया। और T2 भी सिमिलरली पाइथागोरस से हम निकाल सकते हो, T2 दिस इज योर T2। तो ये वाली डिस्टेंस मुझे पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 46 में से 40 माइनस कर देता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा। ओके और ये तो मेरा 40 किलो न्यूटन है ये हॉरिजॉन्टल वाला, तो ये भी T2 निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 46 माइनस 40 का होल स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। सिमिलरली T3 भी निकल जाएगा आपका, ये वाला डिस्टेंस निकाल लो आप, कैसे होगा 38 माइनस 24 का होल स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। अगेन ये आपका, ये वाला डिस्टेंस आपको 24 दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर ये आपको निकालना है। ओके और यहाँ से आप निकाल सकते हो इसको भी, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो आप, तो बड़े वाले ट्रायंगल में 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ओके तो T4 भी निकल जाएगा अंडर रूट के अंदर, 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 55.17 किलोमीटर। तो इस तरह आप एक बार टेंशन निकाल लोगे सभी के अंदर। टेंशन के बाद अब आपको करना क्या है कि भाई एंगल्स आपको थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 पता है, इंक्लिनेशन है डिफरेंट सेगमेंट्स के, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। तो आप 10 थीटा 1 लगा दो आप। 10 थीटा 1 क्या होता है आपका, यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 थीटा 1, सो दिस इज योर 10 थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन अ बेस। तो परपेंडिकुलर इज 46, दिस इज योर 10 थीटा 1, सो परपेंडिकुलर इज 46 अपॉन बेस इज 40। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 46 अपॉन 40। ओके सो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 46 अपॉन 40, सो इट इज 1.15 इन रेडियंस एंड इन डिग्री इज, इट इज योर थीटा 1 इज 49 डिग्री। तो सेम एज 10 थीटा 2, सो फॉर 10 थीटा 2 इज, दिस इज योर थीटा 2, सो दिस वैल्यू इज 10 46 माइनस 40 अपॉन 40। ओके सो दिस वैल्यू इज 46 माइनस 40। सेम अगेन 10 थीटा 3 इज, वैल्यू इज 38 माइनस 24 अपॉन 40। ओके सो 38 माइनस 24 अपॉन 40, सो इट इज योर 0.35 इन रेडियंस एंड इट इज इन डिग्री 19 डिग्री 18 मिनट। तो अगर हम थीटा 4 भी निकाल सकते हो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के। ओके नाउ अब आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, एंगल पता है आपको और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपको एंगल पता है और आपको लेंथ निकालनी है, सेगमेंट की लेंथ निकालनी है। तो आप क्या कर दोगे, सिंपल एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ओके ये आपका ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगा दोगे सिंपल, और आपको 10 मीटर पता है तो 10 थीटा भी पता हुआ है आपको, सेक थीटा आप लगा दो बेसिकली। तो यहाँ से आप अगर ये वाले लेंथ की एंगल निकालना है AC का, तो AC इज इक्वल टू व्हाट, तो 10 इंटू योर सेक थीटा। तो थीटा आपने निकाला है, सिमिलरली CD का आप निकाल सकते हो 10 इंटू सेक थीटा 2, सेक थीटा 3 और सेक थीटा 4। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट योर टोटल लेंथ, और AC मेंबर का और CB CD, इस तरह आपके चारों सेगमेंट के लेंथ मिल जाएगी। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सस्पेंशन केबल 150 मीटर अपार्ट और स्पान एंड 15 मीटर सेंट्रल डिप कैरीज लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन पर मीटर। 150 मीटर का स्पान दिया हुआ है, 15 मीटर का सेंट्रल डिप दिया हुआ है और 2 किलो न्यूटन पर मीटर का आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन पूछा है केबल का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस पूछा है पियर के अंदर, अंडर द टू केसेस केबल पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस रोलर्स ऑन टॉप ऑफ द पियर और केबल क्लैम्प टू सैडल्स कैरीड ऑन फ्रिक्शनलेस रोलर्स। और आपको दोनों ही केस में बैक स्टे जो कि एनकरेज केबल का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाल लो WL2/8H से। एच मतलब डिप होता है जो कि 15 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, एल स्पान होता है, तो डब्ल्यू की वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर। सो WL2 तो 2 × 150² / 8 × 53 = 75 किलो न्यूटन आ जाएगा। वर्टिकल रिएक्शन आपको पता है सपोर्ट पर WL/2 होती है सिमेट्री की वजह से, तो W = 2, L = 150 × 2 = 150 आ गया। मैक्सिमम टेंशन इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ 150² VA² + H². तो आप यहाँ से देख सकते हैं 403.89 किलो न्यूटन आ गया आपका। और अगेन ये इक्वेशन ऑफ शेप ऑफ द केबल आपको पता है, पैराबोलिक शेप किस तरह होती है, Y = 4H/L²(x, L-x), मुझे स्लोप निकालना है, थीटा निकालना है, तो इसको dy को dx के रेस्पेक्ट में dy/dx कर दूं अगर, तो डिफरेंशिएट कर दूं 4y/L²(x, L) का डिफरेंशिएशन होता है L और x² का होता है 2x, तो L - 2x बन जाएगा ये, ठीक है। और स्लोप मैं अगर बात करता हूँ सपोर्ट पे, स्टार्टिंग वाले सपोर्ट पे x की वैल्यू 0 होगी, इस
वाले डायग्राम है, डायग्राम नहीं दिए हुए, तो स्टार्टिंग ए सपोर्ट पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो वहां पे एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 बाई सी अपॉन एल आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ओके, और यही टेन थीटा ही होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 4 इंटू बाई सी इज 15 अपॉन एल इज 158.4, और ये आपको रेडियन में आया और डिग्री में 21 डिग्री 48 मिनट। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द पियर पूछ रहा है वो, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है टी कॉस अल्फा माइनस टी कॉस बीटा, सो इट इज योर अल्फा आपने निकाल दिया और बीटा आपको पता है आपका 30 डिग्री क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एक एंगल, और आप यहाँ से इसको क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल सकते हो। और वर्टिकल फोर्स ऑन पियर अगर एक केस के लिए निकालना है, तो आपका मैक्सिमम टी मैक्स और टी कॉस अल्फा प्लस टी साइन अल्फा। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन आपने निकाला ही था अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आप यहाँ से अल्फा आपने साइन अल्फा वैल्यू निकाल दिया है यहाँ से, ये थीटा जो एंगल निकाला हुआ है, और ये आपका मेन केबल का एंगल है, मेन केबल मतलब सस्पेंडेड केबल का, और एनकरेज केबल का एंगल क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मैं दूसरे केस की बात करता हूँ कि भाई केबल इज फर्मली क्लैम्ड टू द सैडल्स कैरीड ऑन फ्रिक्शनलेस रोलर्स ऑन टॉप ऑफ द पियर्स, तो इस केस की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस केस में आपको पता है दोनों के केस में टेंशन आपकी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, और इस केस में आपका जो एक टेंशन निकाल दो एक एटम है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ द सैडल करने के लिए T1 cos alpha इज इक्वल टू T2 cos beta आपको पता है, तो यहाँ से आपने T2 को T1 के टर्म में लिख दिया, 433 आ गया, और यहाँ से आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर निकाल दोगे T2 cos 30 करके, और वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो वर्टिकल फोर्स होगा वो T1 sin alpha plus T2 sin beta इज इक्वल टू दिस 366.49 किलोन्यूटन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं एक और ले लेता हूँ, तो केबल इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स 30 मीटर अपार्ट, लोकेटेड एट द सेम लेवल, एंड इट कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर UDL दिया हुआ है, सैग ऑफ द केबल एट मिड स्पान 5 मीटर दिया हुआ है, और कैलकुलेट टेंशन इन द केबल एट द लेफ्ट क्वार्टर पॉइंट क्वार्टर L/4 पे निकालना है, एंड द कर्व लेंथ ऑफ द केबल, तो कर्व लेंथ ऑफ द केबल अगर निकालना है तो कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस 8/3 H² / L कर दोगे फॉर्मूले में, और आपको निकालना है टेंशन भी निकालनी है लेफ्ट क्वार्टर पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, और सैग ऑफ द केबल दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, तो आप हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपको निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपको पता है W² / 8H होता है, सिंपल W is 20 किलो न्यूटन पर मीटर, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और L is 30 मीटर अपॉन 8H, सो एच इज योर डिप इज योर 5 मीटर, तो यहाँ से आपने एच निकाला, वर्टिकल रिएक्शन निकाल दोगे W L/2 से 300 किलो न्यूटन आ गया। नाउ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एट लेफ्ट क्वार्टर पॉइंट पूछ रहा है, तो इफ इट इज डिनोटेड एज V' तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट कैसे मिलेगा, टोटल V में से W L/4 आप क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि आपको जो लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितने पे एक्ट कराना है, L/4 पे, तो V में से L/4 माइनस कर दो, तो V का रिएक्शन था W L/2 माइनस W L/4 इज W L/4, तो इट्स वैल्यू इज 150 किलो न्यूटन। तो इस पॉइंट के लिए वी डैश पॉइंट के लिए मैक्सिमम टेंशन क्या हो जाएगा, H² + V'² तो इट इज 474.34 किलोन्यूटन आ जाता है, क्वार्टर पॉइंट पे आपने निकाल लिया। ठीक है, और अगर आपको कर्व लेंथ निकालनी है, तो L + 8/3 H² / L फॉर्मूला लगा दोगे, और H की वैल्यू 5 है और L की वैल्यू 30 है, 32.22 मीटर आपका आंसर है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा केस बनता है केबल सपोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स, ओके, तो टेंशन इन केबल सपोर्ट एट डिफरेंट लेवल्स, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, और ये आपका जो सपोर्ट्स हैं, ये ए सपोर्ट जो है हिंज लोअर एंड पे है, और इस ए सपोर्ट के लेवल से जो केबल का बॉटम मोस्ट पोर्शन है उसका सैग दिया हुआ है YC, और जो आपका टॉप मोस्ट पोर्शन B है, और जो B पॉइंट के लेवल से और A पॉइंट के लेवल तक का जो डिप है वो D है स्मॉल D, और जो B पॉइंट के सपोर्ट से टोटल बॉटम मोस्ट पोर्शन तक का डिप मैं बोलता हूँ स्मॉल H मतलब D+YC, और जो आपका ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट आपको लोकेट करना पड़ेगा आपका जो, क्योंकि सपोर्ट्स के वजह से ये एक सेम लेवल पे नहीं होगा कि ये L/2 और L/2 पे एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट लोकेट करना पड़ेगा और L1 और L2 का रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका एक पॉइंट जो आपका आएगा कि कहाँ पे एक्ट करेगा L1 और L2। ठीक है, क्योंकि आपका एक लेवल पर होता तो L1 बाय L1 बाय L2 और L/2 हो जाता,
हैं सेम लेवल पे नहीं है, तो ये L1 डिस्टेंस पे होगा, तो ये L2 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो आपको उसको याद रखना है। और यहाँ पे आपको पता है ये वर्टिकल रिएक्शन VA लग रही है और ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट HA लग रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी। और अगर मैं आपको देखता हूँ कि मोमेंट एट सी, इस पॉइंट पे अगर मैंने मोमेंट की वैल्यू क्या कर दी, पुट करी, लेट सी बी द लोएस्ट पॉइंट ऑन द केबल एंड द डिस्टेंस L1 फ्रॉम सपोर्ट ए और L2 फ्रॉम बी। अब मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, अगर आप जीरो कर दो तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपको पता है क्या होता है, W L² अपॉन 8H होता है। तो L मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इस पार्ट को सेम लेवल तक लेके जाता हूँ, ठीक है, ये इस वाले एंड को, ए जो सपोर्ट है, मैं इसको अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो गया L1, और यहाँ से लेके मैं लो, मैं यहाँ तक इसको लेके जाता हूँ इमेजिनरी, और सपोर्ट यहाँ पे एक बनाता हूँ सेम लेवल पे ले आया, तो ये भी L1 ही होगा। जितना L1 यहाँ से चला है, ये वाला पार्ट भी L1 होगा। तो इसको मैं अगर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट WL² अपॉन 8H होता है, तो अगर मैं इसको 2L1 लिख दूं, कि ए लेवल पे L1 था यहाँ तक, और ये इमेजिनरी कर्व मान लो यहाँ तक गया इस लेवल तक, और सेम लेवल तक मुझे पता है कि जो फॉर्मूला होता है WL² अपॉन 8H होता है, तो ये L1 और ये वाला L1, W W 2L1 का स्क्वायर अपॉन 8YC हो जाएगा HA। सिमिलरली H भी निकालना है आपको, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट B निकालना है, तो इस वाले B सपोर्ट के सामने यहाँ तक आया ये आपका L2, और सेम अगर मैं इसको इमेजिनरी यहाँ तक इसके बी सपोर्ट तक लेके जाऊँ, तो ये भी मेरा डिस्टेंस कितना होगा, L2 ही होगा, तो 2L2 बोल सकता हूँ उसको, तो W 2L2 का होल स्क्वायर, W 2L2 का होल स्क्वायर अपॉन 8। अब सेक कितना है इस बी सपोर्ट के लिए, यहाँ से है YC और D, तो YC+D है टोटल सेक, तो इट इज़ YC+D। और HA इज इक्वल टू HP है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों को इक्वेशन को इक्वेट कर दो, और यहाँ से आप L1 अपॉन L2 का फॉर्मूला लिख दो, अंडर रूट ऑफ YC अपॉन YC+D। ओके, सो दिस रिलेशन हेल्प्स इन लोकेटिंग द लोएस्ट पॉइंट C ऑन द केबल। तो L1 अपॉन L2 का रिलेशन आ जाता है अंडर रूट YC अपॉन YC+D। ये रिलेशन कब वैलिड है, जब आपका ए वाला पॉइंट है वो लोअर एंड पे है और बी वाला सपोर्ट है हायर एंड पे, तो Y1 YC अपॉन YC+D हो जाएगा फॉर्मूला। अगर ए वाला हायर एंड पे हो, बी वाला लोअर एंड पे हो, तो ये YC+D ऊपर आ जाएगा, YC नीचे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, क्लियर। अगर वर्टिकल रिएक्शन सपोर्ट्स की MA MB को जीरो करके निकाल सकते हो, और आपने यहाँ से देख सकते हो कि VA भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, WL/2 - HD/L हो जाएगा। और अगर मोमेंट एट ए जीरो कर दोगे अगर आप, तो PB की वैल्यू भी मिल जाएगी प्लस HD/L मिल जाएगा। सिमिलरली टेंशन एट द केबल में मिल जाएगा √BA² + H² और TB इज इक्वल टू √BB² + H² ओके। तो आप यहाँ से मैक्सिमम टेंशन और वर्टिकल रिएक्शंस भी निकाल सकते हो। फिर तो इस तरह एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को आप अप्लाई कर सकते हो, L1 और L2 आप निकाल देना। तो आपको यहाँ पे देखो ए सपोर्ट हायर एंड पे है और बी नीचे है, तो L1 अपॉन L2 अंडर रूट YC+D ऊपर पहुंच गया, YC नीचे आ गया, ठीक है। तो आप L1 L2 से L1 L2 निकाल दोगे, जो कि लोएस्ट पोर्शन को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। और आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पता ही है, W 2L1 का होल स्क्वायर अपॉन 8YC+D होता है, और मैक्सिमम टेंशन इन द केबल आपको पता है इस फॉर्मूले से मिल जाता है, और मैक्सिमम टेंशन आप कैलकुलेट कर लोगे। सिमिलरली आप यहाँ से कर्व लेंथ ऑफ द केबल विद डिफरेंट सपोर्ट्स, अगर आपके सपोर्ट जो है वो एक लेवल पे नहीं है, तो आपका जो रिलेशन आ जाता है L+2/3H²/L1+YC²/L2। नाउ सिमिलरली एक और हमारा एक और लास्ट टॉपिक है इसमें फर्स्ट यूनिट का, टेम्परेचर चेंज इफेक्ट ऑन द केबल। ओके, ये आपका कोई केबल है और इसमें जो सैग है YC से डिनोट करा है, और अगर मैं बात करता हूँ कि फॉर द सस्पेंडेड केबल द राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द केबल। जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा, तो जो केबल की लेंथ है वो बढ़ेगी और सैग जो है वो भी बढ़ेगा, बशर्ते सपोर्ट्स आपके स्टेशनरी रहेंगे, हिंज सपोर्ट है स्टेशनरी रहेंगे। तो आपको मैं अगर बात करता हूँ कि भाई चेंज इन सैग जो आपका YC है, उसमें सैग में क्या चेंज आएगा। ओके, तो अगर मुझे पता है कि लेंथ अगर सेम लेवल पे होते हैं, तो L+8/3YC²/L से मिलती है, तो अगर मैं डेल एल कर दूँ, चेंज इन लेंथ कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू YC, डेल एल अपॉन डेल YC क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू YC का 2 आगे आ जाएगा, तो 16YC/3L और YC का डिफ्रेंशिएट किया ये आपने, तो डेल YC हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डेल YC की वैल्यू मिल जाएगी
3L अपॉन 16YC इंटू डेल एल, तो यहाँ से चेंज इन सैग हो जाएगा 3 अपॉन 16 L अपॉन YC इंटू डेल एल। सिमिलरली चेंज इन हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू डिप, तो आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट देते हैं WL² / 8YC से, और आप यहाँ से देख रहे हो जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है YC के। ओके, तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का चेंज देख रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू YZ, तो अगर मैं इसको H को DH को डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रेस्पेक्ट टू YZ तो क्या हो जाएगा, डेल H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x². ओके, तो इट इज -1/YZ² और डेल YZ। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, ये आपका अगर फर्स्ट इक्वेशन है, तो अगर मैं टू इक्वेशन डिवाइडेड बाई वन इक्वेशन कर दूँ तो डेल H अपॉन H मिल जाएगा इज इक्वल टू माइनस का डेल वाई सी अपॉन वाई सी, तो आपका ये रिलेशन मिल जाता है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है आपका कि भाई माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जैसे आपका डिप इंक्रीज होगा जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो आपका कम होता चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली चेंज इन स्ट्रेस विद रेस्पेक्ट टू डिप, ठीक है, चेंज इन स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है लोड डिवाइडेड बाई एरिया, सो मैक्सिमम टेंशन, लोड इज मैक्सिमम टेंशन हियर। अगर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमारा अगर एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो काफी स्मॉल है, तो आपका मैक्सिमम टेंशन अपॉन एरिया, मतलब अगर मैक्सिमम टेंशन आपका क्या है वर्टिकल जो रिएक्शन है वो आपका काफी स्मॉल है, तो आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मैक्सिमम होगा सिग्निफिकेंट होगा उस केस में, तो एच अपॉन ए हो जाएगा, और आपका एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, और एच क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई सी के। ओके, तो यहाँ से आपका जो चेंज इन स्ट्रेस कर दोगे तो यहाँ पे भी माइनस डेल वाई सी अपॉन डेल वाई सी स्क्वायर आ जाएगा, और चेंज इन स्ट्रेस अपॉन ओरिजिनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल वाई सी अपॉन वाई सी। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है केबल डिप इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है। अब इस तरह फर्स्ट यूनिट का जो भी इक्वेशन ऑफ केबल है और आपका जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, भी इस पर अगर डिस्कस कर सकते हो आप, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। स्ट्रेस इंटेंसिटी द केबल निकालना है और फॉल इन टेम्परेचर नेसेसरी टू रेज द स्ट्रेस टू 30 Nm/mm², ये सारी वैल्यूज दी हुई है, आप एक बार देख लो सॉल्यूशन पार्ट को इधर, बहुत इजी है। आपने लेंथ दिया हुआ है, वाई सी पता है, डेंसिटी यूनिट वेट पता है कंक्रीट का, ओके स्टील का जो भी है आपका स्टील का दिया हुआ है, ये बेसिकली स्टील का 78 kN/m³, वेट आपको पता है क्या हो जाता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यूनिट वेट, तो वॉल्यूम इज योर एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यूनिट वेट इज एरिया गामा सी। सो यहाँ से आपने वेट निकाल लिया, और आपने वेट निकाल लिया और आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाला मैक्सिमम टेंशन के लिए, और सपोर्ट पर W/2, WL/2 होता है तो स्मॉल W होता है, बट यहाँ पे W स्मॉल इंटू L होता है कैपिटल W, तो आपने यहाँ से मैक्सिमम टेंशन निकाल लिया और मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू भी यहाँ से आपने निकाल दी, ठीक है ना, और यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। और चेंज इन डेप आपको पता है क्या होता है कि भाई 3/16 L/YC इंटू डेल एल होता है, और आप यहाँ से डेल वाई सी करके निकाल सकते हो, और आपको यहाँ से डेल एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वाई सी अपॉन वाई सी से आप चेंज इन स्ट्रेस क्या है 30 - 24 इनिशियल था अपॉन 24 इज इक्वल टू एच की वैल्यू इतनी आई है, और यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो आप इस तरह देख सकते हो कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इसमें से 10 से 15 मार्क्स का एक्सटर्नल में पेपर में आता है और वो कभी आप भूलोगे नहीं। तो थैंक यू सो मच।